शांति। उनतीस दिसंबर 2018 के महावाक्य हैं, मीठा मीठा बाबा कहते मीठी बच्ची यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है, जो सुनते हो वो फिर सुनाना भी है, जो सुनते हो वो फिर सुनाना भी है। प्रश्न, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होनी भी होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है, उनके अंदर कौन सी ऐसी शुभ कामना जागृत हो जो उनके पुरुषार्थ की अच्छी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है। बच्चों में यदि ये शुभ कामना रहती कि हम मात पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे तो ये भी अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, ये भी शुभ बोलते हैं, इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। गीत चला, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो तीर्थ हमारे कौन से हैं? हमारे तीर्थ दुनिया से न्यारे, वो तो जाते पानी में स्नान करेंगे, ठीक है, परंतु यहाँ हमें कोई पानी में स्नान आदि करने की जरूरत नहीं है। हमें ज्ञान स्नान करना है, आत्मा को स्नान करना है। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती ही हैं स्वर्ग में, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं और वो है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वे अपने इस जन्म के जीवन कहानी बाबा के पास लिख भेजते हैं कि हमने इस जन्म में इतने इतने ऐसे ऐसे जाने अनजाने में पाप। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है, बच्चों को पता है कि यही सुना यहां सुनाना सुनना और सुनाना है। तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए? जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो ना सके, तब तक पास ही नहीं होंगे। सुनाने वाला तो बनना ही बनना है, और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं है, वहां तो और ही मना करते हैं, मत सुनाओ, गुरुजी सुनाएंगे, गुरुजी नाम दान देंगे, तुम इतना अच्छा नहीं सुना सकते हो। पर तो यहाँ हर एक को पहले दिन कहा जाता है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें समझ में आया वो औरों को दे दो। या धारणा कर फिर करानी है, फॉलोवर्स बनाने हैं, ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। या हर एक को माँ बाप समान बनना है, औरों को सुनाए तब पास हो ना। बाप की दिल पर चढ़े नॉलेज पर ही समझाया जाता है ना, वहां तो सब कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता है, लॉ नहीं है, नियम ही नहीं है, परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। भगवान आएगा तो भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। अब तुम बच्चे विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो, माला तो बनती है ना, ऊपर में रुद्राक्ष की माला होती है ना, रुद्र को दिखाते हैं ऊपर में तो रुद्राक्ष की माला बना देते, ईश्वर की माला यहाँ बन रही है, वो तो रुद्राक्ष की माला बनाते, और यहाँ कौन सी माला बन रही है? ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। ये कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वो तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर, तुम्हारी बात ही न्यारी है, तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है।
रुद्र के गले का हार बनना है, माला के राज को भी जानते हो, दुनिया वाले तो माला के राज को भी नहीं जानते, तुम जानते हो। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है डबल दाना युगल दाना, जगत अम्बा और जगत पिता, और फिर 108 मुख वंशावली आत्माएं। बाबा ने देखा कि बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम 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 कहते हैं, लक्ष्य कुछ भी नहीं, रुद्र माला फेरते रहते हैं। राम की ध्वनि लगा देते हैं, ये सब हुआ भक्ति मार्ग। ये फिर भी बातों से ठीक है, ये फिर भी और बातों से ठीक है, उतना समय कोई पाप तो नहीं होगा, जितने देर तक माला फिरते रहेंगे उतनी देर तक तो पाप नहीं होगा। पापों से बचने की ये युक्तियां हैं, या माला फिरने की बात नहीं, स्वयं माला का दाना बनना है। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम अव्यभिचारी राही हैं, अपने शिव बाबा के घर के योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकार में भस्म होते हैं। कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परंतु विकार में कदापि विनाश नहीं हो। रात दिन यदि कोई राम को कृष्ण को याद करता रहे, परंतु उससे कोई विकार में विनाश नहीं होने। राम राम कहो, राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप कटते हैं या आयु बढ़ती है। कई कहते हैं हम योग करते हमारी आयु बड़ी हो गई, कई कहते हमारे पाप कट गए। ना तो पाप कटते हैं ना योग आयु बढ़ती है। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। परंतु यहाँ पाप भस्म होने का मतलब क्या है और आयु बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारी आगे सतयुग में लंबी आयु वाला जीवन होगा। और पाप कटने का मतलब है कि हमारे इन दुखों से मुक्त होकर सतयुग में जाएंगे। वर्तमान में केवल हमारे पास उन दुखों को उन समस्याओं को सहज सामना करने की शक्ति आ जाती है। जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी हो जाती है आयु, जन्म जन्मांतर के लिए क्या हो जाती है, ड्रामा हमारा निश्चित है। हर कल्प हर जन्म हमारा एक सेकंड कम या फालतू नहीं हो सकता है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है, अपने को कहेंगे हम नीच हैं, हम पापी हैं, तो जरूर सब ऐसे होंगे ना। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस। ये आत्मा की महिमा करते हैं और वे तुम सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसको इसके आगे कोई गुण नहीं है। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये खुशी भी नंबर वार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान बल एक ही है, परंतु पास भी कर न सके। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गद्दियां, 8 गद्दियां, चंद्रवंशी में 12 गद्दियां। जो नापास होते हैं वो दास दासी दास दासियों के भी दास दासी नौकर चाकर जाकर बनते हैं नंबर वार। अनपढ़े अंत में पद पाएंगे। बाबा समझाते तो बहुत है, कुछ भी ना समझो तो पूछो, पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं तो वे कहां जन्म लेते और वे कहां कोई कम सुख या क्या दुख पाते हैं। बड़ा समझदार बनना है। बड़े बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, वहां 2-3 मंजिल बनाने के दरकार नहीं रहते। वहां जितना जिसको चाहिए होगा वो तो सब ड्रामा अनुसार महल आदि कल्प पहले माफिक तैयार मिलेंगे, वही बनेंगे। ये ज्ञान दूसरा तो कोई दे नहीं सकता, परंतु जिसकी तकदीर में नहीं है, जिनकी तकदीर में नहीं है, उनकी बुद्धि में बैठता भी नहीं, बैठता ही उनकी बुद्धि में जिनकी तकदीर में है।
वही आत्मा वहां बैठी है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में रहते आए। स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं, अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो तो मैं तुम्हें कोड़ी का वारिस बनाता हूं। तुम मुझे सारी जायदाद का मालिक बनाओगे तो मैं अपनी सारी जायदाद का मालिक तुम्हें बनाऊंगा। हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं, शिव बाबा शिव का बालिक, शिव बालक को वारिस बनाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। शिव बाबा के घर का अव्यभिचार, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को जलाना है, ज्ञान का सेवन कर अपार खुशी को प्राप्त करना है। क्या सामान्य वाली नदी जो पानी को अपने अंदर समा लेती है, बाप समान नदी है वो, और बाप समान नदी नशीन वो बन बने बनने की शुभकामना रखते हुए बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं।